मुंबई इंडियंस के कप्तान पड़ गए सूर्य कुमार यादव को भारी, किस वजह से 12 लाख का जुर्माना लगा है इसकी पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल मैच के दौरान टीम धीमी गति के ओवर के कारण 12 लाख का जुर्माना लगा है। आईपीएल की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के तहत उनकी टीम सत्र का पहला अपराध था, इसलिए कप्तान सूर्य कुमार यादव पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस मैच को मुंबई ने 5 विकेट से जीता है। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा पर मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। राणा ने आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 के तहत लेवल 1 के अपराध को स्वीकार कर लिया। लीग की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ऋतिक शौकीन पर 10% का जुर्माना लगाया गया। भारतीय घरेलू क्रिकेट के दो खिलाड़ियों की प्रतिद्वंदिता इस मैच में भी देखने को मिली। राणा और शौकीन के बीच तीखी बहस भी हुई है। यह घटना पहले बल्लेबाजी कर रहे केकेआर की पारी के 9वें ओवर में हुई, जब शौकीन ने राणा को आउट करने के बाद उसने कुछ कहा। राणा ने इसके बाद पलटवार शौकीन की तरफ पड़ते हुए कुछ कहा। मुंबई इंडियंस के बीच कार्यवाहक कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी पीयूष चावला ने हालांकि हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत कराया।